आइए 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 आइए, दूर वाले पास आ जाइए, पास वाले बैठ जाइए। आइए, नाग नागिन का खेला, सांप का खेला दिखाने जा रहे हैं, तो खामोश क्यों है, जरा तो मुस्कुराइए। आइए खेला देखिए और एक बार जोरदार ताली बजाइए। तो जमूरे उस्ताद खेल दिखाएगा, दिखाएंगे, मनोरंजन करेगा, करेंगे, मरवाएगा नहीं, नहीं मरवाएगा, चलिए कोई बात नहीं है। तो जुल्फ की कोई बात नहीं है, सर मरोरा साहब का कैसा कुंडल मार के बैठा है जोरा साहब का। जब ये चमेली की जड़ों में जाकर छुपकर बैठता है तो इसके कांटे का पानी नहीं मांगता, पर इंसान का बच्चा इसे खेलता है। पूछिए किस लिए, अरे पूछ किस लिए, किस लिए, इस पापी पेट के लिए। अगर ये पेट ना होता तो आज आपसे भेंट ना होता। तो साहिबान मेहरबान, करदान थुकदान पिकदान, बड़े बड़े खानदान से आए हुए मेहमान, शाहरुख खान सलमान खान। ए बाबू जमूरे, हाँ उस्ताद, ये पौती में क्या है, घोड़ा है। तो आप बहन के क्या घोड़ा, तो मौसी छोड़ के गया था, आए मौसी छोड़, पौती में क्या है, काला नाग, काला नाग है। हाँ। पौती में क्या है, काला नाग, क्या है, काला नाग। ए भैया, आप मेरे लुंगी में क्या देख रहे हैं, काला नाग पिटारे में है, लुंगी के भीतर भी खोपरा है, क्या है, खोपरा, अरे पगला, काला नाग है, काला नाग, क्या है, काला नाग। ए भैया ए, जाइए मत, ज्यादा समय नहीं लेंगे, नाग नागिन का खेला दिखाएंगे। अगर ये खेला पसंद नहीं आया तो चप्पल से, जूता से, बनियान से, अंडरवियर से मारिएगा। खेला अच्छा लगे तो एक बार जोरदार ताली बजाइएगा, बजाइए, जाओ बजाइए, बहुत बढ़िया। और खेला बहुत अच्छा लगेगा, ए बच्चा ए चुप हो जाओ, खेला बहुत अच्छा लगेगा तो दो पैसा चार पैसा दीजिएगा, दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा, अरे देंगे कि नहीं देंगे, देंगे ना जी, आए इस गरीब का पेट भरेगा, नाग राजा के लिए, सांप राजा के लिए दूध और पानी का इंतजाम होगा, करिएगा कि नहीं करिएगा। अरे दोस्त चलातन का मदारिया खेल देखते हैं, बहुत दिन हो गया देखे हुए। अरे साला तू पागला है कि कोई बकवास चीज देखेगा, है जो संभाल ले जल्दी, चल घर। दोस्त चलना चलना चल, एक बार जोरदार ताली बजाइए। अरे चल ना भाई, तनका देर में आ जाएंगे। जमूरे उस्ताद, खोल दूं, खोल दो, दिखा दूं, दिखा दो, काला नाग निकाल दूं, निकाल दो, क्या देगा वो भाई साहब, देंगे हट जला, हम पैसा वैसा आदमी नहीं है, मतलब कि 5-6 रुपया दे दीजिएगा, हट जला, हमारे पास पैसा वैसा भी नहीं है। अरे भाई साहब, बच्चा बोल दिया है तो 500 नहीं तो 50 रुपया दे दीजिएगा। देखिए गरीब आदमी खेला दिखाता है, कला दिखाता है, किस लिए, पेट भरने के लिए, पेट भरने के लिए। तो 500 रुपया नहीं बल्कि 50 रुपया दे दीजिएगा। अगर कला पसंद नहीं आए तो पैसा नहीं दीजिएगा। क्या जी, पसंद आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। नाग नागिन का खेल देखना है कि नहीं देखना है, देखना। एक बार जोरदार ताली बजाइए। अरे चल यार, खेल दिखाने से ज्यादा बकवासे कर रहा है। ए भाई साहब, ए भाई साहब, ए माई बाप, अरे खून है आपका गरम और गाल है आपका नरम, मतलब कि गाल है आपका नरम। क्या नाम है आपका, लकी, लकी, एक बार लकी के लिए जोरदार ताली बजाइए भाई, जोरदार ताली बजाइए। हाई कौन है, दोस्त है, बरमुंडा दोस्त है आपका। तो लकी का दोस्त है काला खोपरा, तो लीजिए पेश है आपके सामने किंग कोबरा, ताली बजाइए, जोरदार ताली, बहुत बढ़िया। धोखा है, धोखा, क्या हुआ, सांप का गोला है, क्या है, गोला, गोला है सांप, सांप गोरा है। सांप क्यों गोरा है मालूम है, जिस तरह से आदमी में पसंद होता है लड़का को गोरी लड़की, लड़की को गोरा लड़का, वैसे ही जानवर में सांप को, नाग को पसंद होता है गोरी नागिन, नागिन को पसंद होता है गोरा नाग। ये सांप पहले काला था, ये एकदम काला कलूठा था, है बरमुंडा जैसा करिया का था, ये सांप लगाया हमारा पुस्तैनी, हमारा खानदानी, हमारा पारंपरिक साबुन। अगर ऐसा साबुन मिल जाए जो आदमी का रंग बदल दे तो आदमी खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा, खरीदेगा, खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा। तो ऐसा ही साबुन जिसको बनाया है हमारे पूर्वजों ने जड़ी बूटी का काम करके, ये साबुन आदमी का रंग बदल देता है, आदमी को काला से गोरा कर देता है। आदमी लेगा कि नहीं लेगा, 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 लेगा कि नहीं लेगा, लेगा, लेगा ना। तो ये जब साबुन सांप का रंग गोरा कर सकता है तो आप और हम क्या चीज है। ये साबुन का दाम मात्र 35 रुपया, 35 रुपया। ए भाई साहब, एगो हमरा दीजिए ना। अरे भाई साहब, बड़ा हड़बड़ाए लगते हैं आप, आप पहले रुकिए, आपको नाग नागिन का खेल दिखाएंगे, उसके बाद साबुन देंगे। ये बताइए, रे साला, तू लेकर क्या करेगा और कितना गोरा होगा तू, हम लेते तो कोई बात नहीं होता। अरे दोस्त, हम ना गोरा है लेकिन हमारे कॉले ना है, इसीलिए ले रहे हैं। साला, आज एगो बात पता चल गया कि गाड़ी कितना भी सुंदर क्यों ना हो, उसका साइलेंसर हमेशा काला ही रहता है। अब जो आपको चीज के बारे में बताने वाले हैं, आप सबने यकीनन कहीं ना कहीं उसके बारे में जरूर सुना होगा, टीवी में, सिनेमा घर में, फिल्म में, कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा आप लोगों ने, आपने बाप दादा से, नानी से, दादी से उसके बारे में कहानी सुने होंगे। जिस चीज के बारे में आपको बताने जा रहे हैं वो चीज कुछ और नहीं बल्कि नागमणि है। देखिए,
देखिए ध्यान से देखिए भैया, ध्यान से देखिए, गौर से देखिए, ये वही नागमणि है। ये नागमणि किसी के हाथों में मिल जाए, किसी के हाथों पे पड़ जाए तो उसकी किस्मत बदल जाती है, दुनिया उसके मुट्ठी में हो जाती। ए गलत मत समझिए, मैं मुट्ठी मतलब कि पावर, रुतबा, पैसा, इज्जत, शोहरत की बात कर रहा हूँ। जिसके पास ये नागमणि आ जाए, बम्बानी उसके चरणों पर गिर जाता है, आदमी का काया कल्प बदल जाता है। आप लोग सोच रहे होंगे, बहुत सारा आदमी ये मन मन विचार कर रहा होगा कि अगर ये मदारी वाले के पास ये नागमणि है तो खुदे अमीर काहे नहीं है, ये काहे लगी साबुन बेच रहा है, काहे लगी 2 पैसा कमा रहा है, काहे लगी 2 पैसा मांग रहा है। देखिए ये सच है कि नागमणि ये काम करता है, करता है कि नहीं करता है? करता है कि नहीं करता है? कहानी में यही सुना है ना कि नागमणि काम करता है, लेकिन ये नागमणि जो है ये डुप्लीकेट है। भैया ये माई बाप है, साबुन ले लीजिए भैया, साबुन का साबुन ले लीजिए। अरे बाबा साबुन ले लीजिए। अरे माई बाप, ए भैया, ए भलाई का जमाना ही नहीं रहा, यही कहते कि ओरिजिनल है नागमणि तो सब कूद कूद के देखता, आ कह रहे हैं डुप्लीकेट है तब। ए जमुरे दो माई बाप को, दो साबुन लीजिए 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 लीजिए। भाई साहब नागमणि होता है? अरे भाई साहब किस चक्कर में आप पड़ गए, छोड़िए ना, ये लीजिए 100% ये साबुन काम करेगा, आप तो गोरा ही हैं, आपका वाला भी गोरा हो जाएगा। अरे हम क्या पूछ रहे हैं, आप क्या बकवास जवाब दे रहे हैं? साबुन लेना है तो बताएंगे, नहीं तो नहीं बताएंगे। ठीक है एगो दे दीजिए। ला एगो ला। ए दोस्त एगो हमर ला ले लेना। दूगो दे दीजिए। ला एगो बरमुंडा लगे भी ले रख। लीजिए पैसा। हाँ अब बताइए नागमणि सोचो में होता है? हाँ होता है। कहाँ मिलेगा था? पूछ ऐसे रहा है कि नागमणि नहीं पार्ले जी का बिस्कुट है, जो दुकाने दुकाने जा करके खरीद ले। नागमणि इतना आसानी से थोड़ी मिलता है, इतना आसानी से मिल जाता तो हम लेके नहीं घूमते, अमीर आदमी नहीं बन जाते, यही सब करते हैं, सांप का खेला दिखाते हैं। नागमणि चाहिए पगड़ भाई, नागमणि का खेल देखिए, नागमणि इतना आसानी से मिलेगा, जंगल झाड़ आदमी कुल तपस्या करता है तब जाके नागमणि हाथ लगता है, एक नागमणि चले जमुरा चल। अरे हाँ हेलो, कहाँ रह गया रे, आने जल्दी सामान लेके। हाँ आ रहे हैं चल ले। अरे दोस्त सच में नागमणि होता है रे, अगर होता है तो हम दोनों को मिल जाएगा तो मजे आ जाएगा ना दोस्त। हाँ दोस्त दोनों में से कोई भी मिल जाएगी तो मजा आ जाएगा। ओहो अरे सॉरी साला, हम यहाँ सीरियस बात कर रहे हैं, साला तू छोरीबाजी कर रहा है, साला यहाँ हम अमीर बनने का सोच रहे हैं, साला तू गरीब बनने का रास्ता ढूंढ रहा है। सॉरी दोस्त, बोलना क्या बोल रहा था? दोस्त बोल रहे थे कि अगर सच में नागमणि होता है तो हम दोनों को मिल जाए। सॉरी दोस्त बोलना, हम तुम्हारा ही बात सुन रहे थे। अच्छा हमारा बात सुन रहा था, तो क्या बोले हैं बता तो। तू बोल रहा था कि साला दोस्त थर के थेथरे रहेगा तू साला कहीं के। हाँ पापा 2000 रुपया। अच्छा ठीक है भेज रहे हैं। ठीक की दोस्त, आजकल तुम्हारे पास बहुत पैसा वैसा रहता है, क्या चल रहा है? भाई हम अपन नॉलेज के यूज करके प्रोबो ऐप पर पैसा कमा रहे हैं। प्रोबो ये क्या है? प्रोबो एक ओपिनियन ट्रेडिंग ऐप है जहां तू हाँ या नो में जवाब देकर प्रॉफिट कमा सकता है। और तू कितना कमाया? जैसे अभी इंडिया भर से इंग्लैंड का टेस्ट मैच सीरीज था, उसमें प्रोबो पर सवाल था कि क्या इंडिया ये सीरीज जीतेगी, और मैंने प्रोबो पर अपना ओपिनियन यस में दिया और लाखों का फायदा हुआ। मस्त ऐप है यार। हाँ यार, और यहाँ बहुत सारा कैटेगरी है, 2 करोड़ लोगों ने प्रोबो पर अपना ओपिनियन देकर पैसा कमाया है। अभी जैसे IPL आने वाला है तो प्रोबो पर सवाल है कि क्या 28 मार्च को होने वाला राजस्थान वर्सेस दिल्ली मैच कौन जीतेगा? भाई मुझे तो लग रहा है कि राजस्थान ही जीतेगा, क्योंकि राजस्थान काफी स्ट्रॉन्ग टीम लग रहा है। तो देख मैंने राजस्थान जीतेगी पे ओपिनियन दिया और इन्वेस्टमेंट बढ़ाया, अगर सही हुआ तो रियल कैश मिलेगा। और पैसा कैसे मिलेगा? आराम से यार, गूगल पे, पेटीएम, UPI से विड्रॉ कर सकता है और मैच के दौरान अलग अलग सवाल पे ट्रेड करके इंस्टेंट जीत सकता है। तू पहले क्यों नहीं बताया भाई? तो अभी कर लेना यार, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और डाउनलोड अभी करेगा तो तुमको मिलेगा 25 रुपया का वेलकम बोनस। ठीक है अभी डाउनलोड करते हैं।
कैसी सोच रहा है रे? कुछ ना पापा, कुछ ना। अरे छौड़ी सब के बारे में सोच रहा होगा, उम्र ना हो गया है पोता के। अरे पोता, हम भी तुम्हारे उम्र में बहुत छौड़ी सब के बारे में सोचते थे दिन रात। बाबूजी। कनिया, तनी के गो रोटी लाइएगा तो। ये जी आप भी लीजिएगा रोटी। नहीं, हो गया मेरा। बुआ तू भी लेगा रोटी? एगो रख दे। पापा, नागमनी होता है कि? काला रे? नहीं, ऐसे ही पूछ रहे थे। हाँ होता तो है, लेकिन कभी देखे नहीं है। सुने थे कि जब नाग नागिन 50 साल तक 50 नहीं 100 साल तक। जोरे, ददे जी से पूछ ले, इनके बड़ा पता है। हाँ पोता, आओ हम बताते हैं तुमको। हाँ दादाजी, बताइए बताइए। पहले तू हमको एगो बात बताओ कि स्कूल में कोई नया मालूल फंसी कि नहीं? दादाजी, अभी तक कोई सन कोई माल नहीं मिली। पूरा जाने दो बेटा। दादाजी, आपको शर्म उरम नहीं आता है पोता से ऐसे ऐसे बात करते हुए? मॉडर्न युग पोता, मॉडर्न युग का प्रकोप है। चुपचाप नागमणि के बारे में बताइए। जब नाग और नागिन, दादाजी मम्मी है यहाँ पर, आराम से बताइए। जब नाग और नागिन 100 साल तक बिना मनुष्य को देखे घोर तपस्या करता है ना, तब जाके उसको नागमणि मिलता है। और नागमणि जब मिलता है तो नाग और नागिन इच्छाधारी हो जाता है। इच्छाधारी समझता है ना दादाजी? इसका मतलब कि वो कोई भी रूप बदल सकता है। अच्छा, अगर दादाजी उसका नागमणि अगर आदमी ले लिया था? तो वो आदमी भी जो चाहे वो कर सकता है। दादा, आप नागमणि कभी देखे हैं? नहीं पोता, हम तो कभी नागमणि नहीं देखे हैं, लेकिन हमारे दादाजी नागमणि देखे थे। वो जब भोर में सुबह सुबह 4 बजे खेत जोतने, मतलब हल चलाने जाते थे ना, तब जंगल से रोशनी आते रहता था, वो नागमणि का होता था रोशनी। दादाजी, नाग नागिन मणि कब निकालता है? जब चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। दादाजी कथी आऊ कर रहे हैं? अरे आगे बताइए ना। सॉरी बेटा, फील के लिए कर रहे थे। हाँ, आगे बोलिए जल्दी से। जब चारों तरफ अंधेरा छा जाता है, तब नाग नागिन अपना मणि निकाल कर रखता है, जिससे चारों तरफ रोशनी हो जाता है, और उसी रोशनी में वो दोनों अपना भोजन खोजता है। दादाजी, अगर कोई आदमी उस मणि को लेना चाहेगा तो ले सकता है? ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है, लेकिन ध्यान रहे, अगर नाग नागिन के देखने से पहले वो नाग मणि उठा लिया तब तो ठीक है, और अगर उठाने से पहले नाग नागिन उसको देख लिया तब वो इंसान दुनिया से उठ जाएगा बेटा। अच्छा ठीक है दादाजी, सो जाइए, गुड नाइट। पोटा जी। क्या? गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। ज्यादा छौड़ी के बारे में सोचना मत, नहीं तो नाइट फ्लो हो जाएगा। हमरो पोता बिल्कुल हमरा जैसा रंगीला है। बेबी थोड़ा नीचे करो ना। बेबी थोड़ा और नीचे करो ना। बेबी थोड़ा और नीचे करो ना। नहीं बेबी, इससे ज्यादा और नीचे नहीं करूंगी।
इसका मतलब तुम मुझसे सच्चा प्यार नहीं करती हो बेबी। करते हैं बेबी, लेकिन शर्म आ रहा है। शर्म आ रहा है तो आंख बंद करके पूरा खोल दो। इसला लकिया काहेला फोन कर रहा है? कौन है बेबी? वो दोस्तवा है, बिना मतलब के फोन करके परेशान करता रहता है। तुम दिखाओ ना, उस समय बढ़िया से नहीं देख पाए थे। थोड़ा और नीचे करो ना बेबी, थोड़ा और नीचे करो ना बेबी, अच्छा से नहीं दिख रहा है। एक मिनट रुको बेबी, तुमको अभी फोन करते हैं। कथी है रे, काहेला बार बार फोन कर रहा है? अरे साला, बार बार हमार फोन काहेला काट रहा है रे? अरे बोलना की बात है? हमारे घर के साइड में आता। काहे ला रे? अरे साला आओ ना, एगो काम है। ठीक है, आ रहे हैं। ठीक है, जा रहे हैं बेबी, अब कल देखेंगे। क्या हुआ बेबी, कहाँ जा रहे हो? वो हमारे दोस्त के छिनारा दादा मर गए हैं, वहीं जा रहे हैं। कौन इतना रात में हमको याद कर रहा है? लगता है कोमल देवी होगी। आई लव यू कोमल देवी। काश अभी तुम जिंदा रहती तो टांग पे टांग चढ़ा के सोते। साला कितना देर से आ रहा है। अरे अरे बापरे बापरे बापरे। हाँ दोस्त, बोल काहेला बुलाया है? दोस्त ज्यादा जोर से चोट लगे है कि? लाओ सोहरा देता हूँ। अरे बाप रे, बोल ना काहेला बुलाया है? चल, कहाँ? नागमणि खोजे। नागमणि? हाँ, अरे हमारे दादाजी कहे हैं कि अंधेरा रात में ही नाग और नागिन नागमणि निकालता है। रे साला पगला हुआ गया है कि? तुमको पता नहीं है जो भी आज तक नागमणि के पीछे गया है बच के वापस नहीं आया है? चुपचाप जो घर है सूझ जो, अगर नींद नहीं आ रहा है तो मार कर सो जाओ। रे साला, हम वो सब काम नहीं करते हैं, कमजोरी मजोरी हो जाता है। रे साला कुछ कमजोरी नहीं होता है, बहुत अच्छा नींद आता है। लेकिन हमारा कमजोरी हो जाता है। इसका मतलब तू भी? चुप चुप साला। चलेगा कि नहीं चलेगा? ना ना, हमको कहीं नहीं जाना है, हमको अभी अपनी जिंदगी में बहुत कांड करना है। अरे साला कुछ नहीं होगा, आगे आगे हम रहेंगे, पीछे पीछे तू रहना, ठीक? और सोच, अगर नागमणि मिल गया तो हम दोनों अमीर बन जाएंगे, अमीर, और पति खरब पति बन जाएंगे, सोच। हाँ ठीक है, लेकिन हम पीछे पीछे चलेंगे। हाँ यार, तू पीछे पीछे चलना, पहले चल तो सही। चल 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 चलना चलना। अरे यार चल ना। चल रे दोस्त, आखिरी बार कह रहे हैं, अच्छे से सोच ले, अगर नागमणि उठाने से पहले नाग नागिन तुमको देख लिया ना तो तू मर जाएगा। साला मरेंगे हम तो। तू इतना काहेला रो रहा है? काहेला तू रो रहा है रे? कहां से कि मुझे जिंदगी भर ये गम रहेगा कि मेरा दोस्त बिना लिए मर गया। हर समय दिमाग में छिन और पड़े तुरा चलता है रे, कभी तो अच्छा सोच ले कर। ससुरा, यहाँ हम सोच रहे हैं कि नागमणि मिल जाएगा तो हम दोनों अमीर बन जाएंगे, साला तू हर समय छिन। नागमणि चल चल। रे दोस्त ना, जो सुने सांप आंख से फोटो खींच लेता है, अगर एक बार फोटो खींच लिया ना उसके बाद सात जन्म तक खोज के मारता है। चुप साला चुप, हल्ला कर करके नाग नागिन के भगा दे। साला मुंह बंद करके चुपचाप चल। ठीक है, तू आगे आगे चल चल चल। अरे दोस्त हम नहीं जाएंगे, जो तू हमको सर से कटवा के नहीं मरना है, जो तू नागमणि लेने। साला अमीर बने ना, एक कर लुठवा के अपना नौकर बनाएंगे नौकर। हे नागरानी, आज आप बहुत सुंदर लग रही हैं। आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं नागराज जी।
हे नागरानी एक चुम्बन दीजिए ना। हे नागरानी रुकिए ना, सुनिए ना नागरानी। कहीं काटा उटा तो नहीं ना? नहीं काटा है, बच गए। लेकिन नाग नागिन से हम रात में बचे कैसे? कसम है मेरी, आप युद्ध नहीं कीजिएगा। नागरानी कसम नहीं दीजिए, आज इस नेवले का अंतिम दिन है। बस कीजिए नागराज, आप सिर्फ शरीर से बड़े, शक्ति से नहीं। इसलिए जल्दी चलिए यहाँ से। रही बात नागमणि की, उस मनुष्य से हम बाद में भी ले लेंगे। चलिए यहाँ से। अच्छा, नेवला के कारण बचे हैं ना? भगवान भी चाहते हैं कि हम अमीर बने। अरे तू नहीं बताएगा तो कौन बताएगा रे? साला तू दोस्त है ना उसका रे? भर दिन घूमते रहता साथ में, अब पता नहीं कि कहाँ है। अरे तुमको तो पता होगा ना कि कहाँ गया है। अहो चाचा, हम उसका दोस्त हैं, बाप थोड़ी ना है। मतलब आप ना उसका बाप हैं तो आपको ना पता होगा कि वो कहाँ गया है। वैसे भी मैं उसे 2-3 दिन से नहीं मिला हूँ। अरे हम कह रहे थे नालायक को कि ब्याह करवा दो उसका, भाग गया होगा कौन छोड़ी को लेके। अरे जवान है तो जवानी उफान मरवे ना करेगा, आखिर खून जो हमार वाला है। हे भगवान, कितना सारा सपना सजाए थे कि एगो बेटा है, धूमधाम से शादी ब्याह करेंगे। बस कीजिए चाची, आपका बेटा कोई लड़की के साथ नहीं भागा है, और जैसा आपका बेटा है ना, उसके साथ गांव की कोई कुतिया भी नहीं भागेगी। लड़की के तो बातें छोड़ दीजिए। रे साला, हमार पोता को गांव का छोड़ी भाव नहीं देगी कि पूरा गांव में हमार पोता के लायक कोई छोड़ी नहीं है। साला उसके लिए समान से परी उतरेगी परी। अपना शक्ल देखा है रे, हैं बनमानुष, तुमसे ज्यादा सुंदर तो मेरा पिछवाड़ा है। दिखाइए तो बेटा रमेश, किसी दिन तुमको हम किचन में ले जाके और तुम्हारा पिछवाड़ा पे हल्दी, धनिया, गरम मसाला, पुदीना रख के इतना बेजोड़ तरीका से मारेंगे ना कि पड़ोस वाला को लगेगा कि रामदूत चाचा मुर्गा बना रहे हैं। हे बाबूजी, हट हट, तुम सब साला मिल के हमार मुंह से कच्ची कच्ची बोलवाते रहता है। हट निकलवा, हट। फुलझड़ी भाई तनका लेटे दीजिए ना, बीपी बढ़ गया है। आइए ना लेटिए ना। तू हट ना रे। पापा, इतना फिर काहे लगा हुआ है हो? पापा, दादाजी मर गए कि? दादाजी। हेलो, एक्सक्यूज मी, पोता अभी हम जिंदा है। तो इतना भीर कहला लगा हुआ है? तोरेला लगल है, भोरे से कहाँ गायब था?
मैं कुछ नहीं बताया हूँ। बोला रे पप्पा, वो भोरे भोरे दौड़ने चले गए थे पप्पा। क्या है ना कि आर्मी का भर्ती आने वाला है ना, इसीलिए दौड़ना चालू कर दिए। अच्छा अच्छा, वैसे कब है दौड़? पापा अभी डेट नहीं आया है। आ चल रे चल, एगो बेटा वाला का यही हाल होता है, तनको को बात के बरका को टेंशन बना देता है। रे चल रे चल। अरे बेटा, हम लोग डर गए थे, हमको लगा कि कौनो तोरा किडनैप कर लिया है। वैसे ही सब बात पे तू ध्यान मत दे, बढ़िया से मेहनत कर, हमार नाम रोशन कर दे। लकी के माँ है। अरे चला अंदर, आज बहुत काम है। पोता, सुबह सुबह दौड़ने गया था कि अपना घोड़ा को दौड़ाने गया था। डब 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 डब। बस दादाजी, ये कथी अनसन बात बोल रहे हैं? पोता, हमको बड़ी जोर से शौचालय लग गया है, हम टनका आते हैं। गद्दार कहीं के, आइंदा से हमरा आँख के सामने में आना मत। ससुरा कहीं के, आ नागमणि मिल गया है। आ कथी बोल रे? ना ना, कुछ ना बोले। झूठ ना बोल दोस्त, तोरा मुंह से निकल गया है कि नागमणि मिल गया है। ए दोस्त बताना, सच का मिल गया है क्या? बताना बताना। मिल गया है, लेकिन तुमको ना देंगे। ऐसा कैसे नहीं देगा, हम भी गए थे साथ में लाने के लिए, तो इसमें हमारा भी हिस्सा होना चाहिए ना। साला कहीं के मेन समय पर छोड़ के भाग आया था। हिस्सा चाहिए, हिस्सा चाहिए ससुरा। सॉरी दोस्त, दिखाना दोस्त, सॉरी दोस्त। ए दोस्त, सॉरी दोस्त, माफ कर दे दोस्त, दिखाना दोस्त, प्लीज दोस्त, दिखाना दिखाना। अरे चुप रह ना साला, दिखा रहे हैं ना, आ अंदर, बंद कर एकरा। ये देख नागमणि। अरे साला, कैसे ले लिया रे? नाग नागिन तुमको काटा नहीं? अरे साला तनके से बच गए थे। साला जैसे ही नाग नागिन हमको काटने के लिए आगे बढ़ रहा था, जैसे ही काटने वाला था, नेवला आ गया। तो जन्मे करता है कि नेवला को सांस से कितना बड़का दुश्मनी है। बस नाग नागिन। रे दोस्त, नागमणि से बोलना कि हमको अमीर बना दे, मतलब तुमको अमीर बना दे। हे नागमणि, हमको ना 41,80,000 रुपया दीजिए। 41,80,000 रुपया? ये कथी ला रे? अरे फॉर्च्यूनर लेंगे। साला गरीब आदमी, गरीब सोच। अरे मांगना है तो कुछ बड़ा मांगो, लो हम मांगते हैं। हे नागमणि, मुझे एक स्कॉर्पियो चाहिए। अरे साला फॉर्च्यूनर बड़ा है कि स्कॉर्पियो बड़ा है रे? स्कॉर्पियो बड़ा है रे। साला फॉर्च्यूनर बड़ा है, स्कॉर्पियो बड़ा है। अरे साला फॉर्च्यूनर बड़ा है, बोला ना कि स्कॉर्पियो बड़ा है। अरे साला फॉर्च्यूनर बड़ा है, स्कॉर्पियो बड़ा है। साला फॉर्च्यूनर बड़ा है, स्कॉर्पियो बड़ा है। फॉर्च्यूनर बड़ा है, स्कॉर्पियो बड़ा है, स्कॉर्पियो बड़ा है। साला नागमणि से हम लोग जो जो मांगे हैं वो आया कहां रे? ना पैसा आया, ना गाड़ी आया। शायद बाहर होगा। तो देखता देखता ये पकड़। अरे यार बाहर तो कुछ भी नहीं है, ना पैसा है ना गाड़ी है। ना आया, रुक अब काम करेगा। हे नागमणि, हमको ना एगो फॉर्च्यूनर दीजिए। जूतो जूतो देखता। आया? नहीं आया। ना आया। हे नागमणि, हमको ना एगो फॉर्च्यूनर दीजिए। अब आया रे? नहीं यार, नहीं आया। भक्त साला, काम काहे नहीं कर रहा है?
हे नागमणि हमको ना एगो फॉर्चूनर दीजिए। दोस्त अब आया रे? नहीं यार नहीं आया। बक साला कुछ नहीं आ रहा है। साला काम काहे नहीं कर रहा है यार। हमको लगता है ना। कथे लगता है? कि इसका बैटरी डाउन हो गया है। साला इसमें बैटरी होता है रे? बैटरी होता है इसमें? हम लोगों को ना इसका शक्ति इस्तेमाल करने नहीं आ रहा। तो दोस्त इसका शक्ति इस्तेमाल करने किसको आता होगा? अरे इसका शक्ति इस्तेमाल करने किसको आता? चल हमारा साथ। अब आंसू बहाने से कोई फायदा नहीं है नागिन। ये सब तुम्हारी कायरता के कारण हुआ है। क्षमा नाग गुरु क्षमा। गलती के लिए क्षमा कर दीजिए और उस मनुष्य से नागमणि वापस लेने का कोई रास्ता बताइए नाग गुरु। नागमणि वापस लेने का सिर्फ एक ही रास्ता है। क्या नाग गुरु? मोह। मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी मोह है, वो भी स्त्री मोह। आप कहना क्या चाहते हैं नाग गुरु? हम यही कहना चाहते हैं नाग कि नागिन को उस मनुष्य को अपने प्रेम जाल में फांसना होगा और मणि वापस लेनी होगी, क्योंकि एक मनुष्य स्त्री मोह में कुछ भी कर सकता है। जो आज्ञा नाग गुरु। नहीं नाग गुरु, मैं अपने नागिन को किसी मनुष्य के नजदीक नहीं जाने दूंगा। कोई और उपाय है तो बताइए नाग गुरु। कोई दूसरा उपाय नहीं है मेरे पास और तुम्हारे पास समय भी नहीं है। अगर 7 दिन के भीतर तुमने मणि को हासिल नहीं किया तो तुम्हारे साथ क्या होगा वो तुम्हें पता ही है। पता है नाग गुरु, हम दोनों के जीवन का अंत हो जाएगा। जब सब कुछ भली भांति समझ ही रहे हो तो आगे क्या करना है वो तुम दोनों जानो। आप चिंता मत कीजिए नागराज, हम सब मर्यादा में रहकर ही करेंगे। हमको पता है कि आप मर्यादा में रह के कीजिएगा, पर कहीं वो मर्यादा पार कर दिया तो हम क्या करेंगे? नागराज हम सब संभाल लेंगे। रे दोस्त तनका देना नागमणि। कहला रे? साला एक बार हमको बढ़िया से छूने नहीं दिया, देना तनका। अच्छा ठीक है संभाल के। अरे वो आदमी बोला था कि यही टोला में सपेरा का घर है। कौन सा घर है? ये रहा घर। चल सपेरा वाले भैया। हो सपेरा वाले भैया, सपेरा वाले भैया। की काम? किरे जमुरा की हाल? ठीक है। सपेरा भाई साहब कहाँ है? घर पर नाचन कहीं गिर रहते हैं। कहाँ गए हुए हैं? साबुन खरीद वही तब बताबो। अच्छा ले 35 रुपया लाएगा साबुन। 35 रुपया ना 70 रुपया नई का माल है। ले 70 रुपया ला ले। अब बता सपेरा भाई साहब कहाँ है? हमारा ना पता कहाँ थी, लेकिन तू अपन मोबाइल ना बोला अठन तक फोन कर देबो। अरे साला आईफोन 15 प्रो मैक्स 1 TB। अरे साला कहाँ से चुराया है रे? ले गलीब समझ ले लिया कि खरीद लिए है चोरा लिए है ना, तोरा साथ साथ तोरा पूरा खानदान के खरीदे के क्षमता रखत हियो। रे साला तू हमरा से कुछ दिन बाद मिल, हम तो पूरा खानदान खरीद लेंगे। ले कल उठा, ज्यादा बोलबे तो फोन ना करबो। रे साला बच्चे से कहला मुंह लगाता है रे? अरे बुआ रे फोन करना रे बुआ, चॉकलेट खिलाएंगे। ठीक 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 चल करे साला, मुंह लगाते रहता है। हमको रोका कहाँ ला रे? ये बच्चों को तमीज सिखा देते, बोर से मुंह लगाता है। हाँ बड़ा तू तमीज सिखा देता। साला अगर फोन ना करेगा तो सपेरे से हम लोग मिलेंगे कैसे और नागमणि की शक्ति के बारे में पता कैसे चलेगा, और फिर हम लोग अमीर कैसे बनेंगे? रत्ते में एकदम मार करने के लिए तड़फड़ा जाता है। बचाओ 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 बचाओ, प्लीज बचा लीजिए ना, ये गुंडा सब मेरी इज्जत लूटना चाह रहा है। अरे बचाइए ना। हाँ हाँ बचा रहे हैं। लड़की को देख के हीरो बनने का कोशिश मत करना, चुपचाप लड़की को हमारे हवाले कर और तू अपना रास्ता ना।
दे, हाथ में हथियार है तो अपने आप को पावरफुल समझता है। तुम्हारा सारा पावर को फुस कर देगा हमार दोस्त। ओके, की दोस्त फुस कर देगा कि नहीं कर देगा? रे साला, गुंडा सब के मार कर लड़की के सामने में हीरो बन जो हीरो, लड़की तोरा प्यार में पगला जाएगी पगला। रे लड़की को पकड़ के लेके आओ। किसी ने इस लड़की को टच करने की कोशिश किया तो मैं सबको सब फचट कर दूंगा। ए चल रे, इस लड़की को तो मैं बाद में देख लूंगा। साला क्या हुआ? प्यार हुआ, जैसे फिल्मों में हीरोइन को गुंडों से बचाने के बाद हीरो से प्यार हो जाता है, वैसे ही हमको भी आपसे प्यार हो गया है। बचाए हम और प्यार इससे हो गया? प्यार हमसे ना होना चाहिए, हम ना हीरो जैसे मार के गुंडों से बचाए हैं। लेकिन आप हीरो जैसे लगते नहीं है, इसीलिए आपसे नहीं हुआ है, इनसे हो गया है और इनको पति भी मान लिए हैं। रे जमुरा रे, 10 को और सामुलाओ तो गोरा होने वाला। जी, हमको ना सच में आपसे प्यार हो गया। हमको भी आपसे पहली नजर में प्यार हो गया। दीजिए ना, यहाँ पर सबके सामने में। अरे रूम में चलिए। आप गलत समझ लिए, मोबाइल नंबर। अच्छा अच्छा, हमको लगा लिखिए ना। लिख दीजिए ना। आपके पास मोबाइल नहीं है? पापा के नंबर से फोन करूंगी। अच्छा अच्छा, लाइए लिख देते। हाथ पे नहीं है? दिल पे। अरे बाप रे बाप, कितना हमसे प्यार करती है। लाइए लिख देते। हो गया, लिख दिया। ठीक है जी, जाती हूँ, रात में कॉल करूंगी। ठीक है ठीक है, प्रणाम पति देव। सुनो ना, तुम ना सूट सलवार पहना करो, सूट सलवार में और भी खूबसूरत दिखोगी। जी जैसा आप बोलेंगे वैसा ही करेंगे। ठीक 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 है। सुनो ना, वैसे तुम्हारा नाम क्या हुआ? जी नागरानी। क्या मतलब? हमारा नाम रानी है। मेरा नाम लक्की, लक्की संग्रानी। ठीक। रानी आई लव यू। चल रे, हाथ पर भी नंबर लिखवा सकते थे, दिल पे लिखवाना जरूरी था। गुस्सा शांत कीजिए नागराज, हम जो भी करेंगे मर्यादा में रहकर करेंगे। हमको आप पर पूरा भरोसा है कि आप मर्यादा में रह के कीजिएगा, लेकिन उस पर हमको तनको भरोसा नहीं है कि वो मर्यादा में रह के करेगा। कहीं वो मर्यादा पार कर दिया तो उस साला के मुंह से पूरा के पूरा हवा झलक रहा था। आप चिंता मत कीजिए, हम सब संभाल लेंगे। चलिए करेगी फोन, कब करेगी फोन? अरे कर दे यार फोन। हेलो की पोता, माल के फोन के इंतजार में है की?
ना ना दादाजी, ऐसा कोई बात ना है। अरे शर्माओ मत, दादाजी को बताओ। अरे हम भी तुम्हारा उम्र के थे ना बाबू, तो बहुत कांड किए हैं। हमारा जमाना में तुम्हारे जैसा यो यो होटल सब नहीं न रहता था, तो हम झाड़ी में ले जाकर लड़की को मतलब झाड़ी में लड़की के साथ चल जाते थे। बताओ बताओ बाबू। एगो मालपट्टी है दादाजी, वो बोली थी कि आज रात में कॉल करेंगे, अभी तक कॉल नहीं किया, वही इंतजार कर रहे हैं। आ गया फोन दादाजी, आ गया फोन। पोटा वाह, प्राउड ऑफ यू, चैंपियन हो पोटा। हाँ दादाजी, जाइए आप, जाइए यहाँ से जाइए। हेलो, कैसे हैं जी? हम ठीक है, तो तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। खाना उना खा लिए? हाँ खा लिए। तो तुम खा ली? हाँ मैं भी खा ली। क्या खाई हो? मेढक। क्या मतलब कि बर्गर? अच्छा अच्छा, वैसे तुमको खाना में सबसे पसंदीदा खाना क्या है? जी मुझे दूध पीना बहुत पसंद है। हमको भी दूध पीना बहुत पसंद है। जी हमको आपसे मिलने का बहुत मन कर रहा है। आ जा क्या? आप क्यों आइएगा? बहुत रात हो चुका है, अगर आइएगा तो कुत्ता उत्ता काट लिया तो हम खुद आ जाते हैं। यार तुम कितना ख्याल रखती हो मेरा, सच में हमको कुत्ता से बहुत डर लगता है। अरे आप पति है ना मेरे, इतना भी ख्याल नहीं रख सकती हूँ। आती हूँ मैं। अच्छा ठीक है, आओ आओ। ओके जी, आई लव यू। आई लव यू टू। इतना रात में उसके पास जाना जरूरी है? आप चिंता मत कीजिए नागराज, हमको कुछ नहीं होगा। हम कुछ नहीं जानते हैं, उसके पास नहीं जाना है तो नहीं जाना है, रात में बहुत जल्दी मौसम बिगड़ जाता है। कहीं नागराज, हम लोग के पास समय बहुत कम है, इसलिए मुझे जाना होगा। वो मेरे साथ कुछ नहीं करेगा, आप चिंता मत कीजिए, हम आपके हैं और आपके ही रहेंगे। चलिए। प्रणाम पतिदेव। अरे पगली, पैर मत पड़ो, आओ गले मिलो। चलो चलो रूम में चलो। दादाजी की पोटा, इतना रात में बाहर की कर रहा है? कुछ नहीं दादाजी, बस ऐसे ही टहल रहे हैं। टहल रहे हैं बाबू, हम सब बूझ रहे हैं। अरे जब नया नया प्यार होता है ना, तो ऐसे ही नींद और चैन छिन जाता है। तुम्हारा उम्र बाबू, हम भी प्यार किए थे, मेरा भी ऐसा ही हालत हो जाता था। दादाजी इतना रात के आप घर से बाहर कहाँ जा रहे हैं? हम तो बाबू मुतने आए थे, जरा मुठी लेते हैं। जाइए मुत लीजिए। दादाजी दरवाजा पर मुतिएगा कि रोड पर जाकर मुतिएगा? रोड उधर है उधर। अरे बाबू का बताएं, जब से आँख की रोशनी कम हुआ है कुछ समझे नहीं आता है किधर दरवाजा है किधर रोड है। उधर जाइए, बाहर रोड जाइए। चलो 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 चलो। तो
करेंट मारी कमरिया न मरिया दूरे से धराब। काश कोमल देवी अभी जिंदा होती तो पूरा बुढ़ती मजे में गुजरता। कोई ना, खैर छोड़ो, हमार परसा वाली भौजी का जिंदाबाद है ये है। हेलो, कौन है रे? हम नागराज हैं नागराज, तुम कौन हो? हम कोबरा। तुम कोबरा है? नहीं 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 नहीं, हम कोबरा नहीं है, हमारे धोती में काला कोबरा है। काला भाग जाओ यहाँ से ना तो मुंह पर भिक्स फेंक देगा। रे साला सस्ता बैंड के जूनियर आर्टिस्ट, तू हमारा आंख दिखाएगा रे? आए पागल चला, एक तो ड्रेस चुरा के भागा है, पता नहीं कौन बैंड से है, किस बैंड से भागा है रे, घर पे मेरा आया है चोरी करने के लिए रात में। पागल साला, कहाँ से भागल है रे, कहाँ से भाग के आया है साला? पता नहीं कौन कौन पागल यहाँ पे आ जाता है, हमारे दरवाजा मिलता है सबको। देख लो अच्छे से रूम, यही रूम है मेरा, और शादी के बाद हम दोनों को इसी रूम में रहना है। किस चाहिए हमको? हम अभी जस्ट यही सोच रहे थे और तुम बोल दिया। कितनी अच्छी हो तुम मेरी दिल की बात जान गई। कीजिए ना किस। अरे आप जाइए ना, हम मनी लेके आते हैं। उठो ना, उठो। क्या हुआ? कौन है ये लोग और बिना पूछे घर में कैसे आए? अरे हमारे मम्मी पापा दादाजी हैं। हाँ? प्रणाम दादाजी। अरे खुश रहो पोती, खुश रहो। प्रणाम पापा जी। प्रणाम मम्मी जी। पोता, रात नीमन से कटा ना। बाबूजी, रे साला, तुमको जवानी बहुत तूफान मारता है, कितना पैसा देके बुलाया है इसको, जल्दी पैसा दो और निकालो घर से। बाबूजी, ये मेरी पत्नी हूँ मैं इनकी, और इनसे मैं बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू जी। दियो पोता, दियो। बहुत मच्छर हो गया है टाइल्स मार्बल वाला घर में भी। हे भगवान। एक ही को तो बेटा था, वो भी बिना बताए ब्याह कर लिया। कितना सारा सपना सजाए थे हम,
कि एगो बेटा है, धूमधाम से ब्याह करेंगे। मेरा तो सब सपना का सत्यानाश करके रख दिया। मम्मी, अरे अभी ब्याह नहीं किए हैं, केवल प्यार किए हैं। ये हमारा गर्लफ्रेंड है और हम इसी से ब्याह करेंगे। ऐसे कैसे कोई भी लड़की से ब्याह करेगा? चुपचाप से लड़की के घर पहुंचा दो। ए लड़की, घर कहाँ है तुम्हारा और माँ बाप के नाम क्या है? मेरा कोई नहीं, मैं अनाथ। अरे तू तो बोली थी कि पापा है। कब बोले थे जी? हाँ हाँ, अनाथ है बेचारी। अनाथ है? हाँ मम्मी। बिना माए बाप के लड़की है, पता न कैसन कुल खानदान के है, उससे भी ब्याह करेगा तुम? चुपचाप से जहाँ से लेकर आए वहाँ पहुँचा के आओ, नहीं तो प्यार के सारा भूत झाड़ देंगे तुम्हारा। ऐसे कैसे कोई झाड़ देगा पोता? अभी लड़की कहीं नहीं जाएगी। अरे जब प्यार किया तो डरना क्या? बाबूजी चुप चला। तू जाके अगर बोलेगा ना तो तुम्हीं को घर से बाहर निकाल के फेंक देंगे। ये लड़की अभी इसी घर में रहेगी। दादाजी। अरे खुश रहो, खुश रहो बाबू, सदा सुहागिन रहो। जल्दी से हमको एगो पर पोता दे दो। साथ में रहने देंगे तब ना। तू दोनों दादा पोता के जो मन है वो करो, हम कुछ बोलबे नहीं करेंगे। बुरा दो घर के इज्जत। तू चिंता मत कर पोता, बिल्कुल सही ट्रैक पर जा रहा है, कंटिन्यू रहो। तू रह, गर्मी दिखाएगा हमको। हाँ हेलो, हाँ 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 हाँ, हम अभी आ रहे हैं, आप वहीं ठहर रहिएगा। ठीक ठीक ठीक। कहाँ जा रहे जी? अरे एगो जरूरी काम है, वही करने जा रहे हैं। हम भी चलेंगे। तुम यहीं रहो ना, हम करके बस 5 मिनट में चले आएंगे। अब हमसे प्यार नहीं करते हैं क्या? करते हैं, बहुत करते हैं। तो ले चलिए ना। अच्छा ठीक है, चलो। नागराजा, ए नागराजा, आजा आजा नागराजा, आ जाओ। बेबी थोड़ा उतरो तो। हो सपेरा वाले भैया, हो भैया हो, थोड़ा जल्दी आइए ना। जल्दी आइए बोल करके नाक भगा दिया। बोलो कितना गोरा होने वाला साबुन दे दे। अरे भैया हमको गोरा होने वाला साबुन नहीं चाहिए, हमको ना आपसे एक बात जानना है। साला फालतू में टाइम वेस्ट कर दिया, कब आ जाना है? एक मिनट भाई साहब। बेबी हम ना तुमसे एक बात बताना भूल गए थे। कौन सा बात जी? हमारे पास ना नागमणि है, लेकिन इसका शक्ति इस्तेमाल करने हमको नहीं आता है, इसीलिए ना इस अपेरा के पास आए हैं ताकि इस अपेरा नाम को नागमणि का शक्ति इस्तेमाल करना सिखा दे। अगर सीख गया ना तो हम दोनों अमीर बन जाएंगे, अमीर। आ सपेरा वाले भैया, आ देखिए ना ये नागमणि है, लेकिन इसका शक्ति काम नहीं कर रहा। मणि इसको नहीं दीजिएगा। अरे बेबी फिर हम दोनों अमीर कैसे बनेंगे? हाँ हाँ लाओ नागमणि लाओ, मैं इसकी शक्तियों का इस्तेमाल करना तुम्हें सिखाता हूँ। उसको मणि नहीं दीजिएगा। अरे बेबी तुम चुप रहो। बोल रहे हैं ना इसको नागमणि नहीं दीजिएगा, आपको एक बार में समझ नहीं आ रहा है? इस सपेरे का नियत बहुत खराब है। बेबी यार तुम समझ। आज मेरे वर्षों का सपना पूरा हुआ, नागमणि के साथ इच्छाधारी नाग और नागिन दोनों मिल गए। ए बच्चा ये नागमणि मुझे दे दे। ला उसको नागमणि नहीं देना। ए बच्चा तू अमीर बनना चाहता है तो ये नागमणि मुझे दे दे। नहीं, इसका वो गलत इस्तेमाल करेगा। जैसा तुम सोच रहे हो कि नागमणि मिलने से लोग अमीर बन जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि उसके अंदर कई हाथियों का शक्ति आ जाता है, इसलिए ये तुम्हारे किसी काम का नहीं है। ये मुझे दे दो, मेरी जिंदगी का सवाल है, वरना मैं 3 दिन में मर जाऊंगी। चल झूठी, एक बार भरोसा किया तो तुम हमारे दिल के साथ खेल गई, अगर दूसरी बार भरोसा करेंगे कहीं तुम हमारे सपनों के साथ खेल गई तब, इस बार भरोसा नहीं करेंगे। हमको अमीर बनना है,
और हम नागमणि सपेरा को ही देंगे। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो नागमणि उसको नहीं मुझे दोगे। सॉरी सपेरा जी, हम आपको नागमणि नहीं दे सकते, काहे कि प्यार वाली बात। साले मैं कहता हूँ ये नागमणि मुझे दे। नहीं देंगे। नागमणि मुझे दे। अरे नहीं देंगे, नहीं देंगे। अरे साला, सच में हमारे अंदर शक्ति आ गया। दे दो ना। तुम्हारी तरह झूठा प्यार नहीं किए थे, सच्चा प्यार किए थे। एक मिनट, हमको ना बचपन से वो सपना था कि नागिन के साथ नागिन डांस करने का, तो एक बार करके दिखाओ ना। नहीं करेगी डांस। तो बेल लेना नागमणि, जा रहे हैं हम। अरे करते ना। हाँ तो करो ना। तनी दूर से, नहीं तो बीच चढ़ जाएगा। अच्छा, रात भर साथ में सोई है तो कहाँ बीच चढ़ है। नहीं नागराज, वो पूरी रात बेहोश था, वो कुछ नहीं किया है। हाँ जल्दी से करके दिखाओ नागिन डांस, करो। ए नाग, तुमका वीडियो रिकॉर्ड करो तो। अरे करो ना यार, कति मुंह देख रहा है। अच्छा ठीक है लो, लेकिन बहुत ज्यादा होगी तो। आप ही नागिन, चलो। पहली बार किसी लड़की से प्यार किया था, वो भी छोड़ के चली गई आज। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो जानते हैं क्या क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है और अपने दोस्तों में वीडियो को दबा के शेयर करना है। और हाँ, प्रोवो अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर अभी प्रोवो को डाउनलोड कीजिए।